नमस्ते नमस्ते माननीय मिलिंद प्रधानमंत्री जी, जी, मेड इन बहुत इंडिया खुशी हुई जी। मिलिंद। बिल्कुल देखिए मिलिंद जी, आप अपने तरीके से मेक इन इंडिया के बहुत वोकल समर्थक रहे हैं। जी मेड इन इंडिया नाम पर आपकी किताब भी काफी पॉपुलर हुई है। जी मिलिंद जी, मैं जरा कुछ अलग का ही सवाल पूछ लेता हूं आपको। ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है, क्या जी वही उम्र है कि कुछ और है? लोग मेरे मेरे हिसाब से पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये फिट इंडिया मूवमेंट जो बनाया गया है ये तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे देश में ऐसा ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है कि सबको फिट रहने के लिए एक एफर्ट करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हेल्थ के लिए और फिट रहने के लिए एक मेहनत करने की जरूरत होती है। तो दिस इज ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो फिट इंडिया मूवमेंट फैला रही है। जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उम्र अभी 55 साल की है, तो मैं उनसे कहता हूं, और आप इतने मतलब आयरन मैन किया है, अल्ट्रा मैन किया, मैराथन दौड़ते हैं, 100-100 किलोमीटर दौड़ते हैं, 400-500 किलोमीटर दौड़ते हैं। 2012 में मैं दिल्ली से बॉम्बे भी दौड़ा था। तो लोग पूछते हैं कि इतनी उम्र में आप ये कैसे कर सकते हो, तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी माँ है, 81 साल की है अभी, तो वो जो कर सकती है वो मैं सोचता हूं जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूंगा मुझे वैसा बनना है। तो मेरी माँ एक मिसाल है वैसे मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी। और मैं ये सोचता हूं कि हम भूल गए हैं कि नॉर्मल क्या है, फिटनेस जो चीज है वो हमारे लिए नॉर्मल क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी थे, उनके दादाजी थे, वो कितने फिट थे। वो चलते थे 40 किलोमीटर, चलते थे 50, चलते थे। आज भी औरतें पानी लेने के लिए 40-40 किलोमीटर चलती हैं, अपना काम करती है, वो खेती में काम करती है। लेकिन शहरों में, या जहां तक टेक्नोलॉजी फैल गई है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है सबके पास, अभी सबके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो हम बैठते हैं, और जितना हम बैठते हैं उतनी हमारी शक्ति कम हो जाती है, हमारा फिटनेस कम हो जाता है। तो जो नॉर्मल है एक इंसान के लिए कि कितना फिट रहना चाहिए नॉर्मली, कि 100 किलोमीटर आराम से कोई भी दौड़ सकता है, आराम से कोई भी चल सकता है। हम एक इवेंट करते हैं पिंकथॉन औरतों के लिए, सिर्फ औरतों के लिए, जो 3 किलोमीटर से शुरुआत करती है और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ वो फिर 100 किलोमीटर वो कर पाती है, और उनकी उम्र होती है 60, 65, 70। तो ये जो मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट, ये अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हम हमारी काबिलियत क्या है, हमारी शक्ति क्या है, और सिर्फ फिजिकल शक्ति नहीं, मेंटल शक्ति क्या है। मिलिंद जी, आपने सही कहा, फिटनेस नोज नो एज, नो और लिमिट। ये सच्चाई है। और मुझे किसी ने आपकी माताजी का वीडियो क्लिपिंग फॉरवर्ड किया था, अरे वाह तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा, वाह क्योंकि वाह वो वाह 81 उनका बर्थडे था और वो जी, 15 पुलअप्स कर रही है। पुशअप्स जी, हाँ, बिल्कुल। पुशअप कर रही हो। तो हम एक दूसरे मैं जी को बहुत इंस्पायर करते हैं। जी उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, 60 की उम्र में उन्हें ट्रेकिंग शुरू की, उन्होंने ओहो किलीमंजारो जो माउंटेन है वो चढ़ा, एवरेस्ट बेस कैंप किया 60 की उम्र के बाद। तो वो मुझे वो तो सबको इंस्पायर करती है। मैंने भी उनको पुशअप सिखाए, स्क्वाट सिखाए, एक्सरसाइजेस सिखाए, जो आज वो रोज करती है। तो एक मिलिंद दूसरे जी, को आपकी इंस्पायर माताजी को करना। मेरा विशेष प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक और यू आप नेशनल स्विमिंग चैंपियन भी रहे हैं, जी। और बचपन में हम लोग, मुझे तो बराबर, मैं अपने गांव में, मेरी फिजिकल एक्सरसाइज का एक ही क्षेत्र था, छोटा सा तालाब था, बिल्कुल वहीं स्विमिंग करने चले जाना, वही हमारा जिम था। और ज़्यादातर गांव के बच्चों के लिए तो यही होता है, लेकिन आपने बिल्कुल इसको एक फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा के रूप में प्रमोट किया। मैं इसको पसंद जी करता हूँ और मैं आपको बधाई जी देता हूँ।
थैंक यू सर। आप मैं इतना फिटनेस के लिए स्विमिंग को यूज करते रहे हैं क्या? अभी भी उसमें समय जी, देते हैं? तो मेरा एक कोई ऐसा रूटीन नहीं है, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है। मैं दिन में जितना भी समय मुझे मिलता है, 3 मिनट हो या 30 मिनट हो या 3 घंटा हो, जितना समय मुझे मिलता है मैं एक्टिविटीज करते रहता हूं। कभी कभी बहुत कम समय मिलता है, और मैं लोगों से यही कहता हूं कि मैं कभी जिम नहीं जाता, मैं कभी मशीन यूज नहीं करता। अभी स्पोर्ट्स के लिए वो यूजफुल होता है जब आप कंपटीशन में होते हो, लेकिन अगर सामान्य रूप से आपको अगर फिट रहना है और हेल्दी बनना है, तो आप घर पे भी आसान चीजों को लेके आप फिट और हेल्दी बन सकते हो। मैं लोगों से यही कहता हूं कि मैं घर पे 8 फुट बाय 10 फुट की जगह में मैं फिट रह सकता हूं, और मैं मैराथन दौड़ सकता हूं, मैराथन के लिए मैं तैयारी कर सकता हूं। तो ये जरूरी नहीं, लोगों के समझ में कभी कभी बोलते हैं नहीं, फिट रहने के लिए इतना सारा करना पड़ता है, इतना समय की, इतनी समय की जरूरत होती है, जिम की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी। मैं जब दौड़ता हूं मैं जूते भी नहीं पहनता, वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपके पास है उसे लेके, जो भी आपके पास है उसे लेके भी आप फिट और हेल्दी बन सकते हो। सिर्फ एक मन में वो विचार चाहिए कि मुझे हेल्दी बनना है, मुझे फिट रहना है। तो वो कैसा रहना है, आसान चीजें हैं ये। बहुत लोग हमें कहते हैं कि नहीं आसान नहीं है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो अंदर झांक के अपने आप को स्टडी करके, मन को भी तन को भी, हम बना सकते हैं अपनी रूटीन, अपना एक्सरसाइज हम बना सकते हैं। और गए सालों में लोगों ने किया है। मैं कहता हूं आपसे, मैराथन रनिंग में हमारा जो नेशनल रिकॉर्ड है शिवनाथ सिंह जी का, 1978 में बनाया था, वो भी बिना जूते के दौड़ते थे, 2 घंटे 12 मिनट का रिकॉर्ड है, जो आज तक किसी ने तोड़ा नहीं। और मैं समझता हूं कि बात यही है कि हम सोच रहे हैं आजकल कि आगे बढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें जरूरी है, लेकिन मैं सोचता हूं जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि अगर आत्मविश्वास है, और स्पोर्ट से सबसे बड़ी चीज जो हमें मिलती है वो है आत्मविश्वास। और सिर्फ चलिए, स्पोर्ट आपके नहीं, एक्सरसाइज। आपके आवाज में, आपकी बातों में इतना अनुभव झलकता है और मैं मुझे आपका पूरा विश्वास समय है ले रहा हूं, मैं आपका पूरा समय ले रहा हूं, मैं ही बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता हूं, मैं आज सुनना चाहता था। जी, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इतना ही कहना चाहता हूं कि लोगों को समझ में होना चाहिए कि हेल्दी और फिट रहना बहुत जरूरी है। कितना फिट रहना है वो सबके विचार के ऊपर है। अगर आप मैराथन के लिए फिट रहना चाहते हो, आप पर्वत चढ़ने के लिए फिट रहना चाहते हो, आप सामान्य जीवन के लिए फिट रहना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको जानना जरूरी है। और मैं सोचता हूं कि फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए ये सारी जानकारी जो है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, वो लोगों तक पहुंचेगा। और आपने जैसे ये लॉन्च किया है एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स, इसके बारे में मैं कहना चाहता था, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं भारत के, जो मास्टर्स में भाग लेते हैं, इंटरनेशनली मास्टर्स कंपटीशन में भाग लेते हैं, 60, 70, 80, 90, 100 की उम्र में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जो मास्टर्स कहते हैं उसमें भाग लेते हैं और गोल्ड मेडल जीतते हैं भारत के लिए, इनको अगर हम रेकग्नाइज करें तो लोगों के, आम लोगों के समझ में आएगा कि 40 की उम्र में जिंदगी खत्म नहीं होती, जिंदगी की शुरुआत हो सकती है 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, 70 की उम्र में। जो पिंकथॉन मैंने कहा आपसे इससे पहले, जो एक इवेंट है हम करते हैं औरतों के लिए, उनकी फिटनेस बढ़ाने के लिए, उसका मैस्कॉट है एक हमारी औरत जो पंजाब की है, मन कौर, आप तो जानते ही होंगे उनको, वो 104 साल की मैं है। मिला हूं उनको। उन्होंने रन मिला है, बिल्कुल मैंने देखे हैं फोटो, उन्होंने दिखाया मुझे फोटो कि उन्होंने रनिंग की शुरुआत की 93 की उम्र में। तो ये जो कहानियां है जो भारत कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कर रहे हैं आजकल, स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले के जमाने के हैं, उनको जिम नहीं, सप्लीमेंट्स नहीं, एनर्जी ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं लगता। मिलिंद जी, आपको ढेर सारे लोग ढेर सारे सवाल भी पूछते होंगे,
आपके मन में भी कई सवाल खड़े होते हुए है ना, आपके लिए एक सवाल है, मेरे लिए, मेरा एक आपके लिए सवाल है। एक मेंटल चीज है, अभी हम देखते हैं कि जो भी हम करना चाहते हैं लाइफ में, अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें पीछे रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, या ये बहुत गलत है, तुम ये नहीं ना? ऐसे बहुत लोग होते हैं। और जैसे हम अभी सोशल मीडिया पे हैं, तो बहुत सारे लोग और लोग कहने वाले हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम बहुत बुरा कर रहे हो, ये कर रहे हो। कभी बोलते हैं कि अच्छा भी कर रहे हो, बहुत लोग करते बुरा कर रहे हो। तो ऐसे समय में अभी आपके लिए भी बहुत होगा, मेरे लिए है, जैसे आप फेमस भी होते हो, किसी पोजिशन पे भी होते हो, तब और भी लोग आपको कहते हैं, मन में बहुत उसका प्रेशर होता है कि लोग मुझे बहुत बुरा कह रहे हैं, अच्छे भी कहते हैं, बुरा भी बहुत कहते हैं, तो उसको आप हैंडल कैसे करते हो देखिए मिलिंद जी, मेंटली? आपने बड़ा अनोखा सा सवाल पूछा है। हमारे यहाँ कहा जाता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए किसी भी काम को खुद के लिए नहीं करते, निजी स्वार्थ के लिए नहीं करते, हम पूर्ण समर्पण भाव से एक डिटैचमेंट के साथ जब करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम करते हैं, और अच्छा काम भी मोह भाव के बजाय कर्तव्य भाव से करते हैं, तो मेरा अनुभव है कि तनाव नहीं आता है, ऊपर से ऊर्जा आती है, नया करने की ऊर्जा आती है। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा को हमने टांग खींचना नहीं मानना चाहिए। मैं समझता हूं प्रतिस्पर्धा एक तंदुरुस्ती की निशानी है, एक सोचने का तरीका है जी, पर यह तंदुरुस्ती तब अनुभव होगी जब हमारा ध्यान खुद से प्रतिस्पर्धा पर होगा जी। और मैं मानता हूं कि हर किसी ने अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, दूसरे की लकीर कम करने में समय बर्बादी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बातें चलती हैं, चलती रहेगी। चलिए मिलिंद जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करने का मौका मिला। ठीक, थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत ही बड़ा थैंक यू।